तो यार सामने आप बाइक को देख सकते हैं, TVS Raider 125 CC ब्लैक कलर में बाइक आपके सामने प्रेजेंट है सिंगल सीट वेरिएंट में। तो इसमें पहले जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती थी कि इसमें जो है सिंगल सीट मिल जाए, तो वो फाइनली इसमें अब आपको जो है सिंगल सीट का भी जो है ऑप्शन मिल जाता है सामने, आप जो है देख ही सकते हैं। तो बाकी इस बाइक में आपको जो है कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्या इसकी ऑन रोड प्राइस है, माइलेज इसमें आपको कितना मिलेगा, सारी चीज़ों के आपको जो है इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तू समझा? तो यार स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में यहाँ पर आपको जो है फुल्ली LED हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है। आई शेप में यहाँ पर आपको जो है LED में DRL मिल जाती है और फ्रंट लुक इसका जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा प्यारा सा यहाँ पर आपको मिल जाता है, सामने आप जो है नज़ारा देख ही सकते हैं। गाड़ी कितनी ऑसम है यार। बाकी यहाँ पर आपकी जो है नंबर प्लेट लग जाएगी, उसके ऊपर यहाँ पर आपको जो है TVS का 3D में लोगो मिल जाता है। बाकी यहाँ पर रेडर का साइन, हेलोजन में इसमें आपको जो है इंडिकेटर मिल जाता है कुछ ऐसे लुक में। बाकी हेडलाइट में एक बार आपको जो है ऑन करके दिखा देता हूँ। तो बाइक का हेडलाइट ऑन होने के बाद आपको जो है फ्रंट लुक कुछ ऐसा मिल जाता है। नाइट में इसके हेडलाइट से आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। टेलीस्कोपिक आपको जो है फ्रंट में सस्पेंशन मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको जो है ब्लैक कलर में मडगार्ड मिल जाता है। बाकी 240mm का फ्रंट में डिस्क मिल जाता है। और टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पर फ्रंट में आपको 80x100 17 inches अलॉय व्हील के साथ इसमें आपको जो है ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं TVS कंपनी के। और बाकी इसमें आपको जो है सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। अगर आप रियर का ब्रेक प्रेस करते हैं तो उसके साथ में जो है फ्रंट का भी अप्लाई हो जाता है, इस वजह से आपको जो है काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग मिलती है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तो TVS Raider 125 CC में यहाँ पर आपको जो है मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। बाकी लेफ्ट साइड में स्विचेस की अगर बात करते हैं तो पासिंग का यहाँ पर स्विच मिलता है, लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर ये सारे स्विचेस मिल जाते हैं। और हॉर्न का यहाँ पर आपको स्विच मिलता है, तो कुछ ऐसा यहाँ पर आपको जो है हॉर्न साउंड मिल जाता है। राइट साइड में यहाँ पर आपको जो है इको मोड और पावर मोड का स्विच मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो है सेल्फ का स्विच मिल जाता है। ओके 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 ओके। बाकी अब बात करते हैं कि इसके डिजिटल मीटर कंसोल में आपको जो है कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। तो फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, स्टार्ट कुछ इस तरीके से होता है। काफ़ी सारी यहाँ पर आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साइड में यहाँ पर आपको जो है साइड स्टैंड की वार्निंग और बाकी सारी जो है इंडिकेटर मिल जाते हैं। हेलमेट का यहाँ पर आपको जो है सजेशन भी देखने को मिल जाता है। बाकी गियर इंडिकेटर का इसमें आपको फीचर मिल जाता है, आपकी बाइक कौन से गियर में आपको पता चल जाएगा, टाइम यहाँ पर शो हो जाता है। इको मोड यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो है ट्रिप ए, बाकी RPM मीटर ये सारी चीज़ें, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और बाकी चीज़ों की बात करें तो इसमें आपको जो है सर्विस रिमाइंडर का भी फीचर मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जो है ट्रिप बी और उसके बाद किलोमीटर रेंज, यहाँ पर आपको जो है एवरेज भी देखने को मिल जाता है और कुछ ऐसे यहाँ पर आपको जो है बाइक में फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। तो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है। बाकी यार यहाँ पर आपको जो है 10 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। टैंक डिज़ाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं, टैंक पर यहाँ पर आपको जो है टैंक काउल पर TVS का हॉर्स का जो लोगो है वो 3D में देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें आपको जो है 124.8 cc का इंजन मिल जाता है BS6 बेस्ड अपडेट के साथ, यानी कि इसमें आपको जो है E20 OBD2 ये सारे अपडेट, बाकी सब कुछ ऑक्सीजन सेंसर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और इंजन के पावर फिगर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है। पावर फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 11.34 PS की पावर और 11.2 न्यूटोमीटर का यहाँ पर आपको जो है टॉर्क मिल जाता है। तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस मिलने वाला है, ज़बरदस्त भी मिल सकता है, ज़बरदस्ती मिलेगा। और बाकी माइलेज भी अच्छा खासा यहाँ पर आपको मिल जाएगा 60 के, यानी कि 60-65 इस बाइक से आपको जो है माइलेज मिल सकता है। बाकी माइलेज तो डिपेंड करता है आपके राइडिंग के ऊपर, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको जो है कम ज़्यादा माइलेज भी मिल सकता है। बात तो सही है। और यार सामने आपके जो है सिंगल सीट वेरिएंट प्रेजेंट है, तो अब इसमें आपको जो है फैमिली कंफर्ट काफ़ी सही मिलने वाला है। सिंगल सीट मिलती है, फैमिली पर्सन को बिठाकर भी अगर आप राइड करना चाहो तो आपके सभी फैमिली पर्सन को काफ़ी अच्छा कंफर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। राइडर पिलियन के लिए अच्छी खासी जगह मिलती है और काफ़ी कम्फर्टेबल यहाँ पर आपको जो है सीट मिल जाती है। कुशनिंग भी अच्छी है और यहाँ पर पिलियन को पकड़ने के लिए ग्रैब रेल भी मिल जाता है। बाकी रियर में यहाँ पर आपको जो है गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएगी जो कि आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट देने वाले है। और कुछ ऐसे लुक में स्पोर्टी पैटर्न में यहाँ पर आपको जो है एग्जॉस्ट मिल जाता है। चलिए एक बार इसका जो है साउंड भी सुन लेते हैं। तो करते हैं बाइक को स्टार्ट।
मजा आया। तो यहाँ पर एक चीज है कि बाइक को अगर आपको बंद करना है तो की से ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है किल स्विच नहीं मिलता, उसकी जगह पे यहाँ पर आपको जो है इको मोड और पावर मोड का स्विच मिल जाता है। अगर आपको जो है अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको बाइक को पावर मोड में चलाना है, और थोड़ा सा अच्छा माइलेज चाहिए तो बाइक को आपको यहाँ पर जो है इको मोड में चलाना है। तो कुछ ऐसा जो है इसका काम है। बाकी रियर में आपको जो है 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है, और रियर टायर साइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं 100x90 17 इंचेस अलॉय व्हील के साथ टीवीएस कंपनी की यहाँ पर आपको जो है ट्यूबलेस टायर रियर में मिल जाता है। और बाकी सारी चीज़ है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रियर लुक बाइक का टीवीएस रेडर 125cc का। तो कुछ ऐसे डिफरेंट डिज़ाइन में आपको जो है टेल लाइट इसकी LED में मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको जो है इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, नंबर प्लेट के लिए आपको लाइट मिलती है, और यहाँ पर आपको जो है तीनों साइड से रिफ्लेक्टर, और यहाँ पर आपकी जो है नंबर प्लेट लग जाएगी। बाकी बाइक का रियर लुक आप देख सकते हैं। और अगर आपको बाइक का जो है सीट ओपन करना है तो यहाँ पर आपको जो है की ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर की लगाकर आप जो है बाइक का सीट ओपन कर सकते हैं। 5 स्पीड का इसमें आपको जो है गियर बॉक्स मिल जाता है, 1 डाउन 4 अप स्पोर्टी पैटर्न में सामने आप जो है देख सकते हैं। साइड स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड का टॉप सेफ्टी फीचर के साथ, बाइक का स्टैंड नीचे तो बाइक जो है स्टार्ट नहीं होगी अगर बाइक गियर में है तो। सेंटर स्टैंड भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आपको जो है इंजन कॉल भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको जो है 180mm की काफ़ी सही बढ़िया जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और यार साथ ही यहाँ पर आपको जो है लेडीज फुटरेस्ट साड़ी गाड़ी ये सारी चीज़ें मिल जाती है। ओपन चेन यहाँ पर आपको मिलती है, तो 125cc की बाइक के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ओपन चेन में थोड़ा सा जो है ध्यान देना पड़ता है, बात को आप समझ ही सकते हैं। सेफ्टी के लिए आपको जो है साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिलता है, और साथ ही में यहाँ पर आपको जो है लेग गार्ड भी इसमें मिल जाता है। तो 180mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, 785mm सीट आई डी यहाँ पर आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी सही है। शॉर्ट राइडर भी काफ़ी इजीली बाइक को जो है चला सकते हैं, और लॉन्ग राइडर तो जो है काफ़ी हल्के में ले सकते हैं। बाकी इस बाइक का जो कर्व वेट है ना वो है 123 kg। तो यार कुछ ऐसे फीचर्स आपको जो है टीवीएस रेडर 125cc सिंगल सीट मॉडल में आपको मिल जाते हैं। तो बाइक और बाइक में मिलने वाले फीचर्स आपको कैसे लगे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। बाकी इसके ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करें तो 118,000 में ये बाइक यहाँ पर जो है ऑन रोड प्राइस में देखने को, यानी कि आप जो है यहाँ पर 118,000 में इस बाइक को खरीद सकते हो। बाकी स्टेट बाय स्टेट आपको जो है थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस भी मिल सकता है। बाकी शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसके आसपास से बिलोंग करते तो शोरूम में विजिट करके अगर आप चाहें तो बाइक का जो है टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। बाकी यार ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना है। बाकी तो जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बाइक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वीडियो को यहाँ तक जो है ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच। खत्म, बाय बाय, टाटा।